कल माली काम करने के बाद टेरेस पे तो मैं आई नहीं और आपको भी नहीं दिखा पाई, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से इसने काम किया है। ऐसे तो साफ सफाई ठीक ही है, देखती हूँ। ये तो जस्ट ऊपर का जो हिस्सा था वो फालतू के जो प्लांट इसमें हुए थे उसको उखाड़ा है। ऐसे तो ठीक ठाक ही है, अभी तो दिखाई दे रहा है मुझे। फिर खाद डालेगा, फिर इसका क्या रिजल्ट आता है वो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा सा नज़ारा है फ्रेंड्स, आप इसका आनंद लीजिए। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। देखो फ्रेंड्स कितना सारा फूल उठा है, अच्छा है ना। जबा भी खिला है और ये इसको नाम भूल रही हूँ, जस्मीन। और वो तो रोज ही होते हैं, आपका नाग चंपा। ये देखो, चलिए फ्रेंड्स नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स मैं पूजा लेकर आ चुकी हूँ, पूजा हो गया है और अभी करूंगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और पूजा भी हो चुका है वो देखिए भगवान के सामने। चलिए सामने से मैं आपको थोड़ा दिखा दे। फ्रेंड्स मैंने पूजा दे दिया है और फूल तो आपने देखा ही है टेरेस पे क्या क्या फूल खिला था। तो चलिए जल्दी से मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, टाइम बहुत हो चुका है। ये तो मेरा रोज का ही है, और आज बेडशीट भी धो दिए हैं, और ये नम्मी का केस था तो इतना में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है फ्रेंड्स। और सुबह से मैं आपको दिखा नहीं पाई, ऑफलाइन तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। सुबह का वेदर इतना अच्छा था, मौसम बहुत ही अच्छा था, और पूरा जैसे बादल हुआ था तो ठंडा ही है, और अभी थोड़ा थोड़ा सा धूप निकल रहा है, इसलिए आज मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊंगी, इसलिए मैंने काट कर रख दिया है, दिखाऊंगी आपको। वो थोड़ा सा एकदम पतला नहीं, टाइट थोड़ा सा बनाऊंगी तो उससे। और सुबह मैं पूड़ी बनाई हूँ, चलिए दिखाती हूँ पूड़ी। और मम्मी हलवा बनाई है, और साथ में आलू की सब्जी, आलू प्याज की, चलिए दिखाते हैं। ये देखो आज की ब्रेकफास्ट। ये देखिए फ्रेंड्स अभी 2:15 बज रहा है, फिर मैं अभी थोड़ा सा खिचड़ी बना लूँगी अपने हिसाब से, चलिए बनाते हैं। और ये देखो फ्रेंड्स मैं सुबह ही काट कर रख दी थी सारे के सारे मसाले। इसमें देखो आप, ये है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया सरसों का तेल, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा। ये देखो फ्रेंड्स जीरा को चटकने देते हैं। जीरा का चटकना बंद हो गया है, अब इसमें डालूंगी लहसुन, धीमी कर देती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक, अब
थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स लड्डू से उठाती हूँ। देखिए इसमें डाल देते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। प्याज थोड़ा सा बचा के रखा है, इतना नहीं डालेंगे। कुछ देर तक पकने देते हैं, फिर इसमें मिलाऊंगी क्या क्या आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दाल धोकर रखा है, ये मटर दाल और ये मसूर दाल, मूंग दाल और ये राइस, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, फिर भी यही ज़्यादा हो जाएगा, दे दूंगी मासी कुकिंग अम्मा को। तो चलिए मिक्स करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, बन गया मेरा आज का लंच डिश खिचड़ी। बहुत ही अच्छा बना था। आपको ये लीजिए, थोड़ा सा खिला देते हैं, टेस्टी है ना। तो चलिए मैं पापड़ के साथ ले लेती हूँ, और ये लीजिए मम्मी भी थोड़ा सा ली है, और मैं इसे खाने के बाद कुछ देर तक रील्स का काम किया, उसके बाद सो गई। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें फ्रेंड्स, वरना मुझे देख पाओगे नहीं। बाय बाय, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। चलिए आप भी सो जाइए, गुड नाइट।